मुंब्रा बाईपास टोल नाके के नजदीक अंबेडकर पाड़ा में एक सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। अंबेडकर पाड़ा के घने जंगलों में फैजान इकबाल मर्चेंट 33 वर्षीय व्यक्ति की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक टडलक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मृतक फैजान इकबाल मर्चेंट ये अंबेडकर पाड़ा का ही रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक हत्या की वारदात कल शाम के वक्त में हुई है, मगर आज दोपहर के वक्त इस हत्या की जानकारी सामने आई। जब कुछ लोग फैजान को ढूंढते हुए घने जंगलों में पहुंचे तो वहां फैजान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अभी तक हत्या का कारण का पता नहीं चल सका है। आखिर किसने और क्यों फैजान की हत्या की है? मुंब्रा पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जांच में ही खुलासा होगा कि कितने लोग हत्या में शामिल थे और हत्या की असली वजह क्या है। पुलिस ने फैजान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल मुंब्रा पुलिस कर रही है।